और दावा ये कि आंख तक ये कीड़ा पत्ता गोभी खाने के बाद पहुंचा है। पत्ता गोभी खाने से दिमाग में घुस जाते हैं कीड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़े घुस जाते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा ये देखिए, पत्ता गोभी में इतना बड़ा कीड़ा जीवित है अभी, है जो आप देख रहे हैं, काफी बड़ा है, किसी की भी जान ले सकता है। इतना बड़ा कीड़ा जीवित है जो आप देख रहे हैं, काफी बड़ा है, किसी की भी जान ले सकता है। कैसे इतना बड़ा कीड़ा और किसी चीज में नहीं बल्कि पत्ता गोभी के अंदर मौजूद है, जिसे न केवल हम सब्जी और सलाद के तौर पर खाते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल चाउमीन, बर्गर जैसी चीजों में भरपूर किया जाता है। और ये तो केवल नमूना है, इसके अंदर पाया जाने वाला कीड़ा केवल दिखने में खतरनाक नहीं बल्कि ये आपकी जान तक ले सकता है, आपके दिमाग में घुसेगा और मौत का कारण बनेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पत्ता गोभी को इतना खतरनाक बताया जा रहा है। इसके अंदर मौजूद कीड़ा हमारे साथ क्या करता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो आप पत्ता गोभी जरूर खाते होंगे, भले ही सलाद में आपको ये न पसंद हो, लेकिन फास्ट फूड के साथ तो हर कोई हजम कर जाता है। अब आप जरा समझ जाइए, क्योंकि हम कुछ ही दिनों पहले की बात कर रहे हैं, जब एक डॉक्टर साहब ने एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक ट्वीट किया और बताया कैसे पत्ता गोभी के पत्तों में मौजूद कीड़े पहले हमारे पेट के जरिए शरीर में घुसते हैं और फिर हमारे दिमाग में जाकर मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा नाम के जिस डॉक्टर ने ट्वीट किया था, उन्होंने साथ में एक वीडियो भी अटैच किया और ये भी बताया कि पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर मनीष मोदी ने पंजाब और चंडीगढ़ के कई हिस्सों से पत्ता गोभी को काटकर पत्तों पर मौजूद इन कीड़ों के अंडों को जब लैब में टेस्ट किया तो नतीजे बहुत ही चौंका देने वाले थे, जिससे पता चलता है कि किस तरह से कीड़े हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। जहाँ पहले से ही कीड़े हमारे पेट के जरिए शरीर में जाते हैं, फिर शरीर से दिमाग में जाते हैं और दिमाग में पहुँच कर ये कीड़े गांठ बना देते हैं और फिर उस गांठ के आसपास सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। खास तौर पर इस कीड़े की वजह से न्यूरोसिस नाम की बीमारी होती है और इस बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम होता है सीजर्स, या फिर कह लीजिए मिर्गी के दौरे। ये लक्षण 70% मरीजों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मरीजों के सिर में दर्द भी हो सकता है या फिर दिमाग के जिस हिस्से में कीड़ा है उस हिस्से में दिक्कत हो सकती है। वैसे दोस्तों, सब्जियां वगैरह तो हम खाते ही हैं, उसमें से अगर कोई कीड़ा हमारे पेट तक पहुंचता है तो ज़्यादातर पेट में ही रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पेट में जाकर मर जाते हैं। लेकिन ये जो कीड़ा पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों में पाया जाता है, वो पेट से खून में पहुंचता है और फिर खून के जरिए दिमाग में पहुंचता है, दिमाग में जाकर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है और तब जाकर परेशानी शुरू हो जाती है। आमतौर पर जब पत्ता गोभी या गोभी वगैरह में इस कीड़े को देखेंगे तो वह सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि वह अंडों के रूप में होता है, लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में जाता है एक पूरा कीड़ा बन जाता है। वैसे दोस्तों, ये कीड़ा केवल दिमाग पर जाकर ही असर नहीं डालता बल्कि ये दिमाग से जुड़ी रीढ़ की हड्डी, आंखों, मसल्स में भी जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी लंबे समय से है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर चेकअप कराएं और तब जाकर पता चलेगा कि आपके शरीर में कीड़ा है या नहीं, क्योंकि आजकल ये कीड़ा ज़्यादातर लोगों के शरीर में जाकर दिमाग पर असर कर रहा है, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि कीड़ा शरीर में पहुंच जाता है तो डॉक्टर पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कीड़ा किस हद तक शरीर में नुकसान पहुंचा चुका है। अगर कीड़े का असर बॉडी में कम है तो कीड़े मारने की नॉर्मल दवा दे दी जाती है और थोड़े समय तक ट्रीटमेंट चलता है, जिसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कीड़ा दिमाग में पहुँच जाता है और वो कई सारे कीड़ों को पैदा कर देता है तो समस्या हो जाती है कि यहाँ पर केवल कीड़े मारने की दवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि डॉक्टर और भी तरह के प्रोसीजर करके मरीज के शरीर से कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि ये कीड़े किसी के शरीर में भी पहुँच सकते हैं। हमारे भारत और दक्षिण अमेरिका समेत कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में साफ सफाई नहीं होती और इस तरह के इलाकों में कीड़े ज़्यादातर लोगों को असर डालते हैं। इसलिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि खाने से पहले या फिर खाना पकाने से पहले हम अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों, पत्ता गोभी और गोभी जैसी सब्जियों को घर पर लाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। घर पर लाने के बाद उसे काट कर देखें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है और जब सब कुछ सही दिखाई दे उसके बाद ही आपको इन सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है और फिर इन्हें पकाना है, क्योंकि कीड़े कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं।
जो आपके लिए ज्यादातर नुकसानदायक साबित हो जाएंगे। ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, जो लोग बाहर खाने पीने के शौकीन हैं, जैसे कि बर्गर, चाउमीन या ढाबे पर जाकर खा लिया, इन जगहों पर ज्यादातर पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है। और आपको पता नहीं है कि जिसने खाना बनाया है उसने पत्ता गोभी को धोकर इस्तेमाल किया है या फिर बिना धुलाई ऐसे ही कच्चा इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए संभल कर रहना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर खाना ही छोड़ दें, लेकिन जब भी कभी बाहर खाने जाएं तो सोच समझ कर खाएं, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ दिक्कत दे सकती हैं। और अगर आपको पहले से ही न्यूरोसिस्टिक सरकोसिस हो चुकी है तो आप बाहर खाने से बचें और कच्ची सब्जियां और सलाद को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं और आपकी बीमारी को बढ़ा सकती हैं। और वैसे भी इंसान को हमेशा फल व सब्जी धोकर ही खाना चाहिए। सब्जियों को आप यदि थोड़ा सा ज़्यादा पका लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी, चाहे वो पत्ता गोभी हो या कोई और सब्जी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार के इंटरेस्टेड भरी वीडियो को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड भरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल टॉप तक यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।